वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग। आज है हमारे 30 डे 30 व्लॉग चैलेंज का फोर्थ डे। एंड क्या कर रहे हो आप? अच्छा खाना बना रहे हो सुबह सुबह। इससे पता क्या किया ना, मेरे पीठ पे जाके एकदम से ब्लॉग स्टार्ट कर दे, मैं डर गई यार। तो मैं उसको देख रही थी, ब्लॉग ऐसे ही स्टार्ट किया जाता है। तो क्या बना रही है? चपाती बना रही है। टाइम क्या हो रहा है अभी? वैसे अभी सुबह सुबह तो नहीं हो रहा कुछ भी यार। आई थिंक सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजने वाला, सुबह सुबह चपाती बन रही है 11 बजे। देखो जरा, ये हमारे यहाँ का ब्रेकफास्ट शेड्यूल है। बाय द वे तुम लोगों को गाइस, तू अपना बता। इस 30 दिन में तुम लोगों को बहुत सारे हमारे शेड्यूल पर चलेंगे जो आगे कुछ और रखे हैं। नहीं मेरे साइड दिखा, तेरी वजह से 11 बजे नाश्ता बन रहा है। क्यों भाई? नहीं क्योंकि तू ये गाइस उठाई नहीं है। हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठते, तुम लोग बना के खा लेते। अरे हमने खा लिया ना। अब अच्छा खा लिया, मेरे लिए बन रही है। देखो कुछ समझ तो आती नहीं है, तेरे लिए बना रहे। और ऐसा परामर्श, चार चपाती बना, चाय बना, चाय की जगह दूध भी पी सकते हो आज तो। बात ये नहीं, ठीक है, ये बैंगन का भरता बना था दिन के लिए, बैंगन को हमने भून के रख दिया। बात ये नहीं, एहसान परामर्श कहकर देखते तेरे लिए चपाती बना रही, बकवास कर रहा है कि 11 बजे चार चपाती बना फटाफट मेरे लिए, और मैं तुझे थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। और तू चाय बना साइड से। चल मैं चाय बनाता हूँ। सो गाइस अब समय आ चुका है मम्मी डैडी को विदा करने का, क्योंकि वो अब गाँव जा रहे हैं। बाय 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 बाय। मम्मी क्या कर रहे हैं अभी? सफाई तो नहीं कर रहे थे अंदर? फिर से मेरे को लगा फिर से आप लग गए वो करने का, बोलते बर्तन धोने लग गए। क्या ये बोलने वाली बात थोड़ी है, ये तो हम डेली का करते हैं ना। सफाई नहीं करेगी ना तो फिर घर देखिए कैसा होगा। बात तो सही है, बात तो सही है। तेरे वैसे तो बिल्कुल नहीं सफाई, तभी तो मैं तेरे को रखा है यहाँ पे। मैं खुद करूंगा सफाई सारी की सारी इस घर की। ऐसा चक्का चौंध होगा ना घर का, हर जगह चक्का चौंध में सारा और खटिया होना। चलो ठीक है, बाय बाय करने का था। बाय 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 बाय। मम्मी नहीं आएंगे, मम्मी नहीं आएंगे, पापा तो अभी कुछ दिनों के बाद दोबारा वापस आने वाले हैं। क्या पता मेरे आ सकती है? तो आप आ जाओगे तो बढ़िया बात है यार, सफाई हो जाएगी घर की और भी अच्छे से। चिक्की चलो ठीक है, आप आराम से यहाँ शिमला आके बैठ सकते हो। ठीक है ना, क्या अलग ही नाचने मम्मी हमारे दिन भर सफाई करते रहते हैं। चलो कोई नहीं, लोग रिलेट कर पा रहे हैं, उनकी मम्मी ऐसे करते हैं। बाय बाय। अरे ये कौन लेगा? वाइपर लाइए मम्मी हमारे, मम्मी वाइपर। नहीं नहीं नाच रहे, ऐसे मजाक करेगा सुनते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरा अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्सल आया हुआ है। चेक दिस आउट, ये है वो पार्सल। मैं तुम लोग इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ भाई। ये वाला जो पार्सल है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मेरे लिए नहीं मेरी दीदी के लिए बाय द वे, क्योंकि ये मैंने उसी के लिए मंगाया हुआ है। एंड तुम लोग, पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या है। व्हाई आई एम सो एक्साइटेड, बिकॉज मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर कुछ तो खरीदने वाला हूँ जिसके लिए मुझे इस चीज की जरूरत थी। तो देखो मैं तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ भाई, मैं तुम लोगों को आज बिल्कुल भी रिवील नहीं करूंगा कि मैंने ये खरीदा क्यों है, क्योंकि आज से कुछ दिनों के बाद के व्लॉग के लिए मैंने इस चीज को खरीदा है। तो तुम लोगों को पता तो तभी चलने वाला भाई। कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा कि भाई आप ऐसी मिस्ट्रीज वगैरह क्यों बनाते हो, हमें तंग क्यों करते हो आप स्मार्टी भैया, क्योंकि भाई आज से तुम लोग तंग होने वाले। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ थोड़ा, अगर ये आसानी से टूट जाएगा तो। अभी तुम लोग को पता चल रहा है कि ये क्या है? तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी और इसी वक्त, ठीक है? अगर तुम लोगों को पता चल गया है क्या है। मैंने भाई ये लाइट ऑन रखी हुई है फालतू की, इसको ऑफ करो ताकि अच्छे से देख पाओ तुम लोग भी। और अगर तैयार हो, 1 2 3 ये पता क्या है तुम लोग आई डोंट नो कि तुम लोग समझे कि नहीं समझा। देखो इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रो, ये है एक मिनी टेबल। बेसिकली गाइस ये चीज का इस्तेमाल तुम लोग बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, एंड आज से कुछ दिनों के बाद हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अभी नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को एग्जैक्टली इसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है, कुछ दिनों के बाद तुम लोगों को पता चल जाएगा। 30 डेज 30 व्लॉग चैनल चल रहा है हमारा ये वाला, तो कुछ दिनों के अंदर अंदर कोई एक बहुत ही मस्त चीज खरीद। आई थिंक मैं कल भी जा सकता हूँ इसी को खरीदने के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। यस कल का व्लॉग तुम लोग जरूर देखना, तुम लोग गेस तभी कर पाओगे कि इसका काम क्या है भाई। पर कितना ज्यादा क्यूट है, छोटू सा टेबल है ना, बहुत क्यूट जैसा है। पर मुझे अभी इसको ना एकदम संभाल के छुपा के रखना पड़ेगा, खासकर इसका डब्बा तो इतना ज्यादा बड़ा है ना भाई, मेरी दीदी ने अगर देख लिया ना गलती से भी तो उसको शक हो जाएगा कि कुछ तो इसने मंगाया जो मुझसे छुपा रहा है, तो हो सकता है इसने मेरे लिए मंगाया हो। तो मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, तो इसको मैं अभी यहाँ किसी एक अलमीरा के अंदर छुपा दूंगा पूरे तरीके से। पर गाइस तो मेरे रूम की जो ये वाली खिड़की है ना, इससे मैंने यहाँ पे इसको घुसेड़ दिया है। देयर इज नो वे कि आपको इसका पता लगा सकता भाई, जब तक
मैं इसको यहाँ से निकालूंगा नहीं, मेरा प्लान काम करेगा। तुम लोग अभी से इस कमेंट सेक्शन में गैस करना स्टार्ट कर सकते हो कि मेरे को इस टेबल का क्या काम हो सकता है। तुम लोग गैस करो, देखता हूँ मैं तुम्हें से कितने लोग बहुत इंटेलिजेंट है। भाई इस बंदे को देखो, रात के ना गाइस 10 बज रहे हैं और मैं इसको रोटी खाने के लिए बुला रही हूँ, बंदा आ नहीं रहा है। बंदा यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है और मुझे ये था कि मैं इसको व्लॉग में दिखाऊंगी कि भाई देखो रात को कौन करता है एक्सरसाइज, क्या मकसद है। 10 बजे बॉडी बनाने की याद आ रही बंदे को, पूरे दिन में पता नहीं क्या कर रहा था। अब मैं इसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब रोटी खाने का टाइम है, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेता हूँ ना। मैंने टाइम वेस्ट करा पता है क्योंकि यार भूख लग रही, मैंने तो खा लिया ना, पर मेरे को ऐसा था ना कि बर्तन वर्तन धोके मैं फ्री होकर सो जाती हूँ। तू दही अपनी थाली को, खुद दही अपनी थाली, थुकतीला फील हो रहा है, पेट पे ऐसे चर्बी आ रही है। मोटा ही है तू, अब बाहर जाएगा हर कुछ खाएगा, उसके बाद घर आके जिम करेगा तो कैसे बात बनेगी रे। मोटा हो गया है तू, अब थोड़ा धीरे धीरे होता जा रहा है मोटा। परफेक्ट हूं एकदम, चुप हो जा, ऐसा ना जल्दी जल्दी अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर। 15 मिनट के अंदर खाना खाऊंगा जा। पता नहीं क्या रूटीन है यार इसका, मेरे को तो इसका रूटीन ही समझ नहीं आता गाइस। अब तुम लोग ही बताओ ये कैसा रूटीन हुआ भाई 10 बजे एक्सरसाइज करने का। अब कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करेगा बंदा। नहीं 15 मिनट, 15 मिनट चल, 15 मिनट तो बनना, 15 मिनट रोटी खा के मैं नहीं तो मैं तो सो जाऊंगी भाई। तू सो जा फिर, मैं तक उठा के रोटी। ये दो तो लाइट क्यों जलाई है, ऑफ करो इसको, बॉडी तो फिर भी नहीं है। गाइस तो अभी हो चुका है डिनर का समय, जस्ट अभी मैंने अपना वर्कआउट खत्म किया, 10:12 हो चुके हैं रात का टाइम। रुको मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ, नहीं रुको पर 22:12 यानी कि रात के 10:12 हो चुके हैं। खाना मैं खा रहा हूँ और मेरी बहन ने देखो मेरे लिए क्या बनाया, देखो ये चीज व्लॉग पे दिखाने लायक है। देखो यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे मैंने इसको बोला था थोड़े चावल और वेजीज करियो थोड़ा हेल्दी, उसने को क्या किया बीच में नूडल घुसेड़े हुए भाई, नूडल लाल के दे दिए इसने मेरे को चावल के बीच में। हे भगवान, इसको शायद मेरी दूर से सुनाई देगा ये कॉम्बिनेशन क्या है। ये कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, मैंने ये किया ना, इसने खुद बोला मेरे को, मेरे को क्या पता तुम मजाक में बोल रहे। मैंने इसको बोला कि मैंने अपने थोड़े से नूडल्स बनाने, इसने बोला मेरे को ना फ्राइड राइस टाइप जैसा बनाया, तो इस तरह से क्या बोला अच्छी तो उसने मिक्स कर लिया, फिर हंसते हंसते चला गया। तो मैं मजाक कर रहा था, वो मेरा मतलब था कि नूडल्स अलग दे और वो अलग दे। देखो तो सबसे मेरे को लगा ये सीरियस को, मैंने ना हल्के से नूडल्स अपने से बचा के ना गाइस इसके उसमें डाले हल्के से। भाई मुझे बताओ नूडल्स और चावल और सब्जी मिक्स करके कौन हमेशा करते है? हमेशा ना। चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको, मैं तेरे को थोड़ी देर में तेरे को फीडबैक देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा है पर टेस्टी। चल अभी रुक जा, मैं अभी टेस्ट करता हूँ, रुक जा ना भाई, मैं टेस्ट कर, रुक जा। विद ब्रोकली ये खाऊंगा मैं ऐसा करके, ये रखिए टेस्टी है भाई खाने में, तो मैंने भी खाया ठीक है, ज्यादा मत बन। एक तो अपनी नूडल्स तेरे को दी है मैंने, अपनी नूडल समझा। पानी की बोतल है, पानी भर के ला चल, पानी पूरी नहीं मिलेगा, दूसरा लेके आऊंगी। मैं क्या बोल रही हूँ कि इससे ना थोड़ी इंस्पिरेशन लो, वैसे मैं इसकी इतनी तारीफ करती नहीं, लेकिन ठीक है यार रात के 10 बजे भी, लेकिन बंदे ने अपना वर्कआउट नहीं स्किप किया, वर्कआउट किया लेकिन गोल है जिंदगी में थोड़ा पतला होना है, जो गोल पेट है ना उसको कम करना है। बस इतनी इंस्पिरेशन लो इससे ना कि एक्सरसाइज करनी है, बाकी कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस इतनी इंस्पिरेशन लो कि देखो यहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, यू नो जगह नहीं है तब भी जुगाड़ किया हुआ, इतनी इंस्पिरेशन ले सकते हो।